तो दोस्तों ओबेरॉय इनक्लेव लिखा हुआ है, इसी के अंदर में है वरुण धवन का घर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं वरुण धवन के घर को। तो उनका घर कहां पर है, कैसा है, किस लोकेशन पे है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको उनके बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के स्टार और सुपर स्टार के घर का वीडियो लेकर आते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो अभी हम हैं मुंबई के जुहू में और अभी हम हैं अमिताभ बच्चन के घर के पास। तो अभी हम उनका घर भी दिखाते हैं और यहाँ से कैसे जाने वाला ये सब कुछ आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वो जो सामने आपको घर दिख रहा है वही घर है अमिताभ बच्चन का और वहाँ पे उनका गार्ड है और वो उस घर का मेन गेट है। और यहाँ से इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे एक चौक मिलेगा जिसका नाम है बीपी पटेल चौक। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी है। और इसी चौक से आप इस तरफ जाएंगे तो वरुण धवन के घर के पास चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है तो आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बस राइट लेते ही वरुण धवन का घर कुछ देर में आ जाएगा। और यहाँ सामने देख सकते हैं एक होटल है जिसका नाम वी होटल है और यहाँ पे काफ़ी सारे और भी होटल है। और इसी रास्ते से हल्का सा आगे जाएंगे मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर तो वरुण धवन का घर आ जाएगा जिसका नाम ओबेरॉय इनक्लेव है। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है जस्ट बगल में ही। तो दोस्तों वहाँ उस चौक के पास से हम आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यही रास्ता जो है सीधा आगे की तरफ जाना है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, आपको हम पहले ही बताए थे। और यहाँ से मात्र 200 से 250 मीटर पे वरुण धवन का घर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं उनके घर के पास और उनके घर के नज़दीक से उनका घर को दिखाते हैं आप लोग। दोस्तों वरुण धवन के घर के पास जाते जाते मैं उनके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। जैसे कि वरुण धवन का जन्म 24 अप्रैल 1987 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत 2012 में किए थे और वे अब तक 14 फिल्मों में काम कर चुके हैं। और उन्होंने 2010 और 11 में देसी बॉय और माय नेम इज खान में करण जौहर के साथ निर्देशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं JW मैरियट होटल के पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। और इसके जस्ट सटे ही वरुण धवन का घर है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक आप लोगों को गेट दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी हरियाली दिख रहा है, पेड़ पौधा है। इसी के अंदर में वरुण धवन का घर है जहाँ पे वे रहते हैं। तो चलिए रोड के उस पार चलते हैं और आपको दिखाते हैं वरुण धवन के घर को कि वो घर कैसा है। और ये घर जो है मुंबई के जुहू में स्थित है। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं वरुण धवन के घर के पास और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ओबेरॉय इनक्लेव। और ये जो आप लोगों को रास्ता दिख रहा है इसी के अंदर में वो जाएंगे तो वरुण धवन का घर आ जाएगा। और इसके जस्ट सामने का सीन देखे तो यहाँ पे देखिए कैसा नज़ारा है। और ये जो उनका घर है ये है जुहू रेजिडेंसी बुटीक होटल के सामने। और यहाँ से हल्का सा आगे जाएंगे तो जुहू बीच आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।